तो हेलो भाई लोग, फिर से स्वागत है आपका एकदम फ्रेश वीडियो TSG DJ की। तो भाई लोग, आज का वीडियो हम लोग करने वाले हैं AWM स्नाइपिंग का टिप एंड ट्रिप का जो हम लोग का वीडियो है। तो भाई लोग, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को सेट कर दो ऑल पे, जिससे आपको हमारे हर फ्री फायर अपडेट और हर नई वीडियो का लीक और नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, जैसे कि अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो भाई लोग, गाइस यहाँ पर हम लोग करेंगे AWM स्नाइपिंग का टिप एंड ट्रिक जो हम लोग ने पिछली बार एक नाइट हंटर मोड था उसमें हम लोगों ने जो किया था। तो भाई लोग, उस वीडियो के बाद मेरे पे बहुत सारे कमेंट आए कि भाई आप कैसे करते हो, तो आप हम लोग को भी थोड़ा टिप एंड ट्रिक बताओ कैसे करते हो। तो ये वीडियो भाई लोग उसी मोटिव पे होने वाली है। तो भाई लोग, यहाँ पे अपन लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला मैच। A few moments later. भाई लोग, सबसे पहला टिप नंबर वन है कि आप लोग को सेंसिटिविटी जो है पूरी अपनी हाई रखनी है। जैसे कि देखिए, मैंने पूरी अपनी हाई रखी है, तो इससे क्या होगा, जब आप स्कोप इन करते हैं तो उससे आपकी मूवमेंट स्पीड तेज़ होगी स्कोप करने की। देखिए ऐसे यो। तो भाई लोग, ये था हम लोग का टिप नंबर दो। भाई साहब, यहाँ पर हम लोग का टिप नंबर टू क्या है गाइस? टिप नंबर टू, हम लोग कौन सा मोड सेलेक्ट करते हैं AWM स्नाइपिंग पे। हम लोग के फ्री फायर में गरीना बस दो मोड हैं AWM स्नाइपिंग में। पहला है नॉर्मल मोड और दूसरा है होल फायर स्कोप। तो पहले नॉर्मल मोड में लोग खेल के दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है उसका। तो पहले जैसे कि नॉर्मल मोड में हम लोग को स्कोप करते, पहले हम लोग स्कोप पे प्रेस करते हैं, उसका जब एनिमी आता है हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तब जाता है, फिर उसका रिलोड होती है। तो उसके बाद हम लोग फिर से जब स्कोप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोग को, तो फिर से रिलोड होके स्कोप कर देते हैं। देखिए क्या होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब हम लोग होल्ड फायर टू स्कोप करेंगे तब देखते क्या होता है। उन्होंने होल्ड फायर टू स्कोप लगा दिया है, अब आप लोग देख सकते क्या होता है। आप लोग को जो आपका फायर बटन है उसको बस आप लोग दबा रहे हैं ना, तुरंत स्कोप खुल जाएगा और आप अपने दूसरे हैंड से आप उसको मूव भी कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे एनिमी आए आप तुरंत वो बटन छोड़ दो, तुरंत वो मार देगा बंदे को। तो होल्ड फायर टू स्कोप ज़्यादा भाई लोग आप लोग प्रीफर करो, क्योंकि इसमें बस एक ही बटन यूज होता है, उसको बस आप लोग को बस होल्ड कर रहना। जैसे एनिमी आए बस आप रिलीज़ कर दो, तुरंत आप लोग को एनिमी को डैमेज मिल जाएगा 150 पर, जैसा आप लोग का एनिमी का वो स्किन होगा। तो गाइस, टिप नंबर थ्री क्या है? टिप नंबर थ्री वाले सिंपली, जब आप लोग फायर करते हो तो आप लोग क्विक स्विच कैसे करते हो बटन का, तो देखो तो आप लोग यहाँ नाइक तक के बंदे को मारा, तुरंत आप लोग वेपन स्विच कर लो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने तुरंत क्विक, जैसे बंदे को मारा तुरंत मैंने क्विक स्विच कर लिया वेपन अपना। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो, मैं आप लोग बताता हूँ। सिंपली आप लोग फायर बटन को दबाए रहिए, एनिमी को दूसरे हैंड से आप स्लाइड करके देखिए एनिमी कहाँ है। जैसे ही बंदा दिखे तुरंत आप फायर बटन छोड़िए और रिलोड, तो पड़ेगा नहीं, मतलब आप क्विक स्विच कर लीजिए वेपन को, जिससे क्या होगा आपके एडिंग में जो होगी वो रिलोड नहीं मांगेगी, जिससे आपका फ़ायदा यही होगा आप लोग एक बार में दो शॉट मार सकते हो। जितनी जल्दी आप लोग स्विच करोगे वेपन आप लोग उतनी जल्दी एनिमी को डाउन कर सकते हो। तो भाई लोग, ये था टिप नंबर थ्री। हम लोग बात करें टिप नंबर फोर। टिप नंबर फोर ये है कि आप लोग जब मारते हो एनिमी को तो आप लोग कैसे कैसे किस पोजीशन से आप लोग बंदे को मारते हो। तो भाई लोग, मैं आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशन बताऊँ कैसे, जिससे आप लोग का एडमी आप लोग अच्छा और अच्छा चला सकते हो। तो सिंपली आप भागने का बटन दबाओ स्प्रिंट का, बस आप लोग पहले इसकी प्रैक्टिस करो, स्प्रिंट करते रहो एडमी पकड़ के, उसके बाद सिंपली फायर बटन को प्रेस करो स्विच कर लो। तो भाई लोग, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। सिंपली आप लोग क्या करना है, स्प्रिंट का बटन दबाना है, फायर बटन दबाना है, रिलोड मतलब स्विच कर लेना है वेपन अपना। फिर से मैं आप लोग पहले बताता हूँ क्या करना है आप लोग को, स्प्रिंट का बटन दबाना है, फायर बटन दबाना है, स्विच कर लेना है वेपन। फिर से फायर स्विच, फिर स्प्रिंट फायर स्विच स्प्रिंट। पहले ऐसे आप लोग करते रहने जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब मैं बात करता हूँ टिप नंबर फाइव की।
तो गाइस टिप नंबर 5 क्या है? तो टिप नंबर 5 भाई लोग ये है कि आप लोग किस रेंज से आप बंदे को मारते हो। जैसे कि आप लोग के सामने बंदा है, जैसे कि वो शॉर्ट रेंज में, मतलब सामने मतलब शॉर्ट रेंज में, तो शॉर्ट रेंज बंदा है तो भाई लोग आप कैसे मारोगे, उसके हैंडल कैसे करोगे? सिंपली आप लोग क्या करना है, बंदे के पास जाना और तुरंत जंप कर देना, फायर करके स्विच करके जंप कर देना है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आप लोग आराम से देखिए, फायर बटन मैंने आराम से करके दिखाता हूँ। फायर बटन प्रेस किया, होल्ड रखे रहे, जैसे एनिमी आया आपके पास तुरंत आने फायर बटन छोड़ा, स्विच किया वेपन और जंप कर दिया। मैं आपको तुरंत बता दूँ, देखिए ऐसे देख सकते हैं, ऐसे आप लोगों का काम आ सकता है। उसके बाद भाई लोग अब मैं बात करूँ लॉन्ग रेंज की, तो लॉन्ग रेंज आप लोग एनिमी को कैसे आप लोग हैंडल कर सकते हो या आप लोग उसको डाउन कर सकते हो, तो सिंपली आप लोग क्या करना है, अपना स्प्रिंट का बटन दबाना और फायर बटन दबाना, उसको स्विच कर देना, फिर स्प्रिंट दबाना, जिससे क्या होगा आप लोग बंदे के नियर अबाउट जाते भी रहोगे और आप लोग का डैमेज भी देते रहोगे उसको। मैं आप लोग फिर से करके दिखाता हूँ, स्प्रिंट करिए, फायर करिए, फिर स्प्रिंट करिए। तो इन सब की प्रैक्टिस आप लोग भाई पूरा एडम स्नाइपिंग के लिए आप लोग को हाफ एन आवर तो हर एक टिप को देना ही पड़ेगा, जिससे आप जल्दी कर सको। तो भाई लोग मिनिमम हाफ एन आवर आप लोग दे सकते हो, जितनी जल्दी आप लोग सीख जाओ आप लोग उतना ही सीखा, और मिनिमम आप लोग को एक हफ्ता ही लगेगा इसको। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर करना, और भाई लोग चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।